मिशन आत्मनिर्भर भारत की सफलता के लिए प्रयासरत उद्यमी हर बार आपके लिए नई जानकारी लाता है और आपको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम फिर से एक नए व्यवसाय की जानकारी देने जा रहे हैं, जो अपना व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आज उद्यमी के माध्यम से आप जानेंगे एक प्राकृतिक, लाभकारी और विशुद्ध भारतीय व्यवसाय के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप उस जानकारी का लाभ उठा सकें। भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व को इस बात से ही जाना जा सकता है कि गाय को गौमाता की उपाधि प्राप्त है। गाय से मिले दूध और गोबर को हमारी संस्कृति के साथ साथ विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। गाय का दूध हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है और गाय द्वारा प्राप्त गोबर के एंटीबैक्टीरियल गुणों की वजह से उसका इस्तेमाल जमीन और दीवारों को लेपने और सफाई आदि में किया जाता रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, गाय के गोबर से अब आप एक ऐसा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जो बेहद फायदेमंद होने के साथ ही एकदम प्राकृतिक भी है। आज उद्यमी के माध्यम से हम आपको बताएंगे गाय के गोबर द्वारा निर्मित प्राकृतिक पेंट के बारे में, जिसके निर्माण का व्यवसाय या स्टार्टअप अब तेजी से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। हमारे देश की प्राकृतिक संपदा और गुणों के खजाने गोबर का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग ने गाय के गोबर द्वारा निर्मित प्राकृतिक पेंट के निर्माण को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करना, विकास की योजना बनाना और ग्रामीण जीवन को समृद्धि की ओर ले जाना। केवीआईसी प्रयासरत है कि गाय के गोबर का प्रयोग करके विभिन्न लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान जयपुर इस काम में पूरी तरह से संलग्न है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोबर से पेंट के निर्माण में सफलता हासिल की है और इस व्यवसाय की सफलता की मिसाल पेश की है। इसके अलावा गाय के गोबर से बने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और गाय के गोबर से बने कागज का भी यहाँ निर्माण होता है। गाय के गोबर के एंटीबैक्टीरियल होने के कारण भारत जैसे देश में गोबर से निर्मित पेंट के सफल होने की असीमित संभावनाएं हैं। प्राकृतिक रूप से बने इस पेंट को ऑर्गेनिक वैदिक पेंट का नाम दिया गया है। रॉ मटेरियल्स, इस पेंट को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स का प्रयोग होता है वो हैं गाय का गोबर, पिगमेंट कलर, थिकनर, बाइंडर और अन्य एडिटिव्स। प्रोसेस, ऑर्गेनिक वैदिक पेंट को बनाने के लिए सबसे पहले काऊ डंग यानी गाय के गोबर की अच्छी तरह से रिफाइनिंग की जाती है। इसके बाद इसे रिफाइंड लिक्विड का करीब 40% हिस्सा ड्रम में भर दिया जाता है। इसके बाद इस ड्रम में सफेद रंग का बाइंडर डाला जाता है और फिर इस पूरे मिश्रण में कैल्शियम कार्बोनेट और टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है। फिर इसे अच्छी तरह से घोलकर इसमें थोड़ा सा थिकनर डाल दिया जाता है, जिससे ये मिश्रण अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाने के बाद इस मिश्रण में पिगमेंट कलर अपनी इच्छा अनुसार मिलाया जाता है और इस तरह ऑर्गेनिक पेंट बनकर तैयार हो जाता है। अगर खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत में भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो प्राकृतिक रूप से बने इस उत्पाद का व्यवसाय आपके लिए एक उत्तम विकल्प है। इस व्यवसाय से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़िए उद्यमी इंडिया से। साथ ही नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए हमारे चैनल उद्यमी इंडिया के साथ हमारे उद्यमी ऐप से भी जुड़े रहें, जहां आपको हर तरह की सारी जानकारी मिलेगी। अपने व्यवसाय से जुड़े हुए सवालों के जवाब जानने के लिए आप 7526-000-333 और 7526-000-555 पर कॉल भी कर सकते हैं।